आज हमारा देश बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। मैंने जाकर के वहां उनके उस अध्ययन कक्ष में उनको पुष्पांजलि भी अर्पित की, मैंने उनका वो अध्ययन रूम भी देखा, और मैंने क्योंकि उसके पीछे जस्ट रेलवे स्टेशन था, मैं पीछे निकल करके देखा कि बाबा साहब वहां से जब रेलवे की गाड़ी आती थी, जब उन लोगों ने मेरे को बताया कि बाबा साहब जब रेलवे की गाड़ी आती थी तो अपने पढ़ाई करने के लिए उससे रेलवे से जाते थे, रेलवे से आते थे, बिल्कुल नजदीक में स्टेशन है, और उन्होंने जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश के निर्माण में उनका योगदान है, मैं आज उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। उनकी स्मृतियां जिस तरह से उसमें मैंने देखी, निश्चित रूप से मन प्रफुल्लित हो गया कि बाबा साहब ने यहां आकर के पढ़ाई की और देश का निर्माण करने में अपना सब कुछ उन्होंने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हमने जिस तरह से हमने हर तरह से हमारे सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है, कांग्रेस के लोगों ने देखा, चुनाव आया, उनको सिर्फ चुनाव दिखता है। और मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, ये कोई भी चुनाव आए, इन कांग्रेस के लोगों को देख लेना, चुनाव आएगा कोई ना कोई इस तरह का सुपा का छोड़ेंगे, इस तरह की बात कहेंगे जो कभी वो ना पूरा कर सकते, ना उन्होंने कभी पूरा किया। सबसे ज्यादा अगर देखा होगा, जब भी चुनाव आते हैं झूठ और लूट की बात करते हैं, कोई ना कोई नई अफवाह फैलाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने चुनाव से कितने दिन पहले सफाई कर्मी की भर्ती निकाली, उसमें भी किस तरह का व्यवस्था की कि जो भर्ती हो ही नहीं पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने आपके माध्यम से जो आपने बताया, आपके लोगों ने जो हमें सहयोग किया, आपने कहा कि इस तरह से होनी चाहिए, हमने उसी आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती निकालने का काम। और मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारे सभी सफाई कर्मचारी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो हमारी चल रही, इसके लिए सार्वजनिक सफाई व्यवस्था में कार्य अनुभव का आधार हमने रखा है और उसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं, और हम लॉटरी के माध्यम से नगरीय निकाय सफाई कर्मचारियों का चयन करने वाले हैं, उसमें आपका चयन होने वाला है। इन भर्तियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी भर्ती पहले भी हमारी सरकार ने 2018 में 21,000 पदों की भर्ती की थी, और अभी हम 24,000 पदों की भर्ती भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा भाजपा की सरकार हमेशा सफाई कर्मियों के हित में काम करती है, हमेशा आपके हित में काम करती है। हमारी सरकार ने इन भर्तियों में आपकी मांगों के अनुरूप संशोधन कर नियमों का सरलीकरण भी किया है। लॉटरी के माध्यम से पारदर्शिता तरीके से पारदर्शी से भर्तियां करने का काम भी किया जाएगा, जबकि पिछली सरकार ने भर्तियों में क्या किया, उनमें तो पेपर लीक किए, लेकिन इसमें भी पेपर लीक जैसा ही किया था, इसमें भी पेपर लीक जैसा ही किया, हमारे युवाओं के साथ अन्याय करने का काम उन्होंने किया। और मैं कहना चाहता हूं, हम जब उनसे कहते हैं ये सफाई कर्मी की भर्ती नहीं, आपने देखा होगा हमने 60,000 फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी हमारे कैबिनेट में हमने निकाली है। हमने 90,000 भर्तियां, 60,000 वो 24,000 ये 7,000 भर्तियां हमारे ड्राइवरों की, हमने एक साथ 90,000 भर्तियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कोई भी गांव, कोई भी ढाणी, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम 5 वर्षों में हमने जैसा कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख भर्तियां करेंगे, और हमने ये भी कहा है कि हम प्राइवेट क्षेत्र में 6 लाख भर्ती करेंगे और पूरी भर्तियां 5
पांच साल में 10 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वो कलम और डायरी साथ में रखें, हिसाब लगाते चलें कि हम कितनी भर्तियां निकाल रहे हैं और कितनी भर्तियां हम कर रहे हैं। क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जो भी हम कहते हैं पूरा करते हैं। और वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आज मैं सुन रहा था कांग्रेस के लोगों की पीसी चल रही थी, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर जा रहे हैं, एक पैसा नहीं लाए। अरे भाई, पैसे की कोई वहां से है, कोई बोरी में या कट्टे में भर के आएंगे क्या हैं? आप बताइए, 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, आपको दिख नहीं रहे क्या कितना बड़ा काम हुआ है? और अभी 2 महीने बाकी है, ये तो 2 महीने पहले, अभी हमारा राजिंग राजस्थान तो 9, 10, 11 दिसंबर को है, कितना आएगा मालूम पड़ जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? आप लिखते जाइए, आपकी तरह नहीं है कि दिन में कुछ बोलते हो, रात में कुछ बोलते हो, चुनाव आते हैं तो क्या वादा करते हो, चुनाव निकलने के बाद क्या वादा करते हो। ये देश की जनता जान चुकी है कि आप क्या करते हैं, इसलिए आपको कहां बैठाया है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, हमने पहली बार 2 साल का कैलेंडर भी हमने निकाला है। हमारे युवा साथी वो मेहनत करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो नौकरी लगना चाहते हैं, हमने कहा उस कैलेंडर को निकालिए, कितनी पेपर भर्ती कब कब होगी, कब कब पेपर होने वाले हैं, हमने पूरा कैलेंडर निकालने का काम किया है। हमारे युवा पढ़ाई करें और हम विश्वास दिलाते हैं, ये तो अभी 2 साल का कैलेंडर आया है, अभी कैलेंडर और भी आने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, जो हमने वायदा किया है एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे सफाई कर्मचारी बंधु विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा काम है कि हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, उनको हम किट भी उपलब्ध कराएंगे जिस तरह का होगा, क्योंकि हम बिना संसाधन के काम करेंगे, कोई भी दिक्कत हो सकती है, हम संसाधन के रूप में काम करेंगे, जो भी आवश्यकता होगी उसको भी पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा है आरडीएचएस के तहत फेफड़े, किडनी और त्वचा से संबंधित बीमारियों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराएंगे, किसी भी तरह की बीमार होगी हम आपको निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे, ये भी हमने कहा है। हमारे सफाई कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। भारत सरकार द्वारा कराए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में आप सफाई कर्मियों के सहयोग से हम अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए भी आप सभी से मैं सहयोग की अपील करता हूं। आपके इस योगदान को प्रदेशवासी कभी नहीं भूलेंगे। मैं आप अपना सेवा भाव आगे बनाए रखें, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार हमेशा आपके साथ है, किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने देखा होगा कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि हम भी इस देश के प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य का भी ध्यान हमको रखना है। हम हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, हमारे भारत देश को विकसित भारत बनाना है, और हमारा योगदान हर क्षेत्र में हो, हर जगह हमारा योगदान हो, इसकी हमें सोच बनानी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से स्वागत और सम्मान के लायक आप सभी लोग हैं। मैं राजस्थान सरकार की तरफ से
आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे, देश को स्वस्थ बनाएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मेरा ये कार्यक्रम रखा। पुणे में सभी आयोजकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। एक एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कालीचरण जी ने कहा था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप चिंता मत करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हॉस्टल बनवाएंगे, राजस्थान सरकार आपको जमीन उपलब्ध कराएगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक नवल जी महाराज का पेनोरमा काफी लंबे समय से मांग चल रही है। हमारे वो संत हैं और संत भी ऐसे हैं कि उनका स्थान जो हमारे महाराज जी हैं मेरे को बता रहे थे, सुनील महाराज जी मैं कहना चाहता हूं आराम से निश्चिंत रहिए, मैं आज ही लाखावत जी को नोट करा दूंगा और अम्मा नवल जी महाराज जी का मां पैनोरमा बनाएंगे, आप निश्चिंत रहे जोधपुर के अंदर। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि आप निश्चिंत रहें, आप खुले मन से राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और कभी कभी लोग ऐसे आ जाते हैं जो किसी तरह से बहकाने का काम करते हैं, किसी तरह से इस तरह की बात करते हैं, उनके बहकाने में नहीं आना है, उनसे पूछ लेना है कि तुमने क्या क्या किया। कालीचरण जी अभी बता रहे थे कि हमने कितना कितना किया है, कब कब आवश्यकता हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आपके साथ रही है, आगे भी है, किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। आइए हम और आप सब मिलकर के इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं, इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।